आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार न करने पर किरण चौधरी को बेशक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने खरी खोटी सुनाई थी, मगर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किरण चौधरी का बचाव किया है। हुड्डा ने कहा है कि तबियत खराब होने की वजह से किरण चौधरी चुनाव का प्रचार नहीं कर पाई। वहीं हुड्डा ने बीजेपी के कई नेताओं के भी नाम गिनवाए जो आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। देखिए, चुनाव जो हुआ और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसके नतीजों से हम संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बावजूद इसके कि पूरा सरकार ने अपना जोर लगाया, बीजेपी जेजेपी ये सब एक पार्टी हो गए थे, उसके अलावा दो और जो फैक्टर थे जो हम कहते वोट कट होंगे, उन्होंने भी पीछे से हाथ मिला के उन्हीं की मदद करने की कोशिश की। उसके बावजूद बहुत अच्छी वोट मिली हमारे को और ये साफ साफ प्रतीक ये दिखता है उससे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जब आदमपुर में ये है तो बाई इलेक्शन में ये है तो जनरल इलेक्शन में तो क्या होगा। हरियाणा के 10 जिलों में अनाज खराब होने के मामले की हुड्डा ने जांच की मांग की है। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार को घोटाले की सरकार कहा है। वो निंदनीय है, जीत हार चुनाव के एक पार्ट है, वही तो एलिगेशन है उसके। इसका सरकार का जो है बल दुरुपयोग किया गया और पैसे का दुरुपयोग किया गया। भाई मैं काफ़ी इलाके में गया हूँ और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ जिस प्रकार से जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, वहाँ उसके उम्मीदवारों को मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने पराली जलाने के मामले में किसानों का बचाव किया और सरकार पर लिफ्टिंग न करने का आरोप भी लगाया। हुड्डा ने कहा कि यदि सरकार लिफ्टिंग करती तो किसानों को पराली न जलानी पड़ती। तो उसकी जांच होनी चाहिए, जिसकी भी लापरवाही है उसको उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे घोटाले हरियाणा में बहुत हैं, ये घोटालों की सरकार तो है। कभी धान का घोटाला, कभी रजिस्ट्री का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, SIT बिठा दी जाती है, रिपोर्ट किसी की नहीं आती। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत की उम्मीद जताई है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावों को खोखला भी बताया और कहा लोगों ने राज्य में सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। बहरहाल आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार न करने पर किरण चौधरी को बेशक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने खरी खरी सुनाई थी, मगर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किरण चौधरी का बचाव किया। वहीं हुड्डा ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।